राहुल सोनिया ने किया ईडी का सामना, फिर केजरीवाल क्यों कर रहे बचने की कोशिश। जी हां, आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल और प्रवर्तन निदेशालय के बीच आंख मिचौली का खेल जारी है। तीन बार प्रवर्तन निदेशालय अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुला चुका है और तीनों ही बार अलग अलग कारण बताकर वे बचते रहे हैं। अब भाजपा के तमाम आरोपों प्रत्यारोपों के बीच प्रश्न ये भी उठने लगा है कि आखिर अरविंद केजरीवाल ही प्रवर्तन निदेशालय की जांच से बचने के लिए तरह तरह की जुगत क्यों लगा रहे हैं। इसके पहले राहुल गांधी और सोनिया गांधी से भी प्रवर्तन निदेशालय सहित कई एजेंसियों ने खूब पूछताछ की थी। दोनों नेताओं को एजेंसियों ने बार बार नोटिस देकर बुलाया और हर बार उन्होंने एजेंसियों के कार्यालय पर जाकर अपने जवाब दिए। कांग्रेस के दोनों ही शीर्ष नेताओं ने जांच एजेंसी के सामने पेश होने से कभी इनकार नहीं किया। कांग्रेस पार्टी हमेशा ये आरोप लगाती रही कि पुराने विवादों को उछालकर उनके नेताओं को अकारण परेशान किया जा रहा है। पार्टी ने पूछताछ के दिन सड़कों पर प्रदर्शन भी किया, लेकिन इसके बाद भी दोनों नेताओं ने कभी जांच से भागने की कोशिश नहीं की। उन्होंने डटकर जांच एजेंसियों के सवालों का सामना किया। यहां तक कि जब प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से भी पूछताछ की गई, तो उन्होंने भी कभी जांच से बचने की कोशिश नहीं की। वे तय समय पर जांच एजेंसी के कार्यालय पहुंचे, 8-8 घंटे तक लिखकर एजेंसी के प्रश्नों के जवाब दिए और वापस आते समय एजेंसियों को ये भरोसा भी दिलाया कि वे जब भी चाहेंगे वे जांच पूछताछ के लिए हाजिर रहेंगे। लेकिन कांग्रेस नेताओं से उलट अरविंद केजरीवाल लगातार ईडी के सामने जाने से बच रहे हैं। ऐसे में बड़ा प्रश्न यही है कि केजरीवाल ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या उन्हें ये पूरा विश्वास है कि शराब घोटाले में उनकी संलिप्तता के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है? यदि ऐसा है तो वे जांच से आखिर कब तक बच सकते हैं? ये भी महत्वपूर्ण है कि आम आदमी पार्टी ने अब तक केजरीवाल से जांच के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का रुख भी नहीं किया है, जबकि राजनीतिक हस्तक्षेप के आधार पर प्रताड़ित किए जाने के आधार पर वे सर्वोच्च न्यायालय के सामने जांच से बचने की अपील भी कर सकते थे, लेकिन अब तक उन्होंने ऐसा नहीं किया है। इसका क्या कारण हो सकता है? मामले की सच्चाई तो जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगी, लेकिन इस पूरे प्रकरण से राजनीतिक गलियारों में यही निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं कि केजरीवाल को नियमों में बदलाव कर हुए शराब घोटाले में अनियमितताओं की पूरी जानकारी है। राजस्व विभाग के टॉप अफसर रहे केजरीवाल इस बात को समझ रहे हैं कि जिस तरह और जिन तथ्यों के आधार पर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है, उन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील अश्विनी कुमार दुबे ने अमर उजाला से कहा कि ये सभी को पता है कि आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार में कोई भी फैसला अरविंद केजरीवाल के बिना नहीं लिए जाते। ऐसे में जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय के पास अदालत में केजरीवाल को इस पूरे घोटाले के अंतिम लाभार्थी के रूप में सिद्ध करना कठिन नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि इसके पहले मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के प्रकरण में आम आदमी पार्टी ने जांच से बचने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उनके तर्कों को स्वीकार नहीं किया। संभवतः यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि जांच पूछताछ से बचने की उनकी कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। यही कारण है कि वे अब तक अदालत के पास भी नहीं गए हैं। इस खबर को देखकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।